नमस्कार, आप देख रहे हैं GLCC न्यूज। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में कुएं में गिरी लड़कियां और महिलाएं, 11 की मौत। कुशीनगर हादसे के बाद CM योगी आदित्यनाथ का आदेश, तुरंत शुरू हो बचाव कार्य। आज पंजाब और UP में एक एक जनसभा संबोधित करेंगे PM मोदी। कुशीनगर हादसे में अब तक 13 महिलाओं ने जाने गंवाई। आज करहल में अखिलेश यादव और फिरोजाबाद में अमित शाह करेंगे चुनावी प्रचार। लखीमपुर घटना के सभी आरोपियों को जेल में भेजने का काम करेंगे अखिलेश यादव। अमेरिका संग आखिरी चरण में पहुंचा ईरान परमाणु समझौता, जल्द फैसले की उम्मीद। रूस अभी भी यूक्रेन बॉर्डर पर सेना तैनात कर रहा है, UK डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ ने दी जानकारी। रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर 7,000 और सैनिक तैनात किए, अमेरिका ने कहा। रूस यूक्रेन विवाद, अमेरिका को उम्मीद, रूस के हमला करने पर अमेरिका के पक्ष में खड़ा होगा भारत। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर में हुए हादसे पर ट्वीट कर दुख जताया। उत्तर प्रदेश मुलायम सिंह यादव करहल के चापरी में दोपहर 1:20 पर जनसभा को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर के कटरा के 84 किलोमीटर पूर्व में सुबह 3.2 भूकंप, 3.5 मापी गई तीव्रता। पंजाब में प्रियंका गांधी की जनसभा, दोपहर 12 पठानकोट में रैली करेंगी कांग्रेस महासचिव। पंजाब राहुल गांधी फतेहगढ़ साहिब के बस्सी पठाना में नई दाना मंडी में रैली करेंगे। गायक और संगीतकार बप्पी लहरी के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी और जालौन में जनसभा को संबोधित करेंगे। दो चरणों के चुनावों से स्पष्ट हुआ 300 पार के लक्ष्य को हासिल कर लेगी भाजपा, CM योगी आदित्यनाथ ने कहा। अखिलेश यादव और शिवपाल पर CM योगी का निशाना, बोले लूट में चाचा भतीजा की बराबर की भागीदारी। खुद को mRNA वैक्सीन डेवलप कर रहा चीन, जल्द लॉन्च करने की तैयारी। बुंदेलखंड में प्रचार करेंगी मायावती, बांदा और चित्रकूट में बसपा सुप्रीमो की रैली। PM मोदी दोपहर 3:40 पर बांदा सागर रोड पर मंदी समिति मैदान पर रैली करेंगे। हरियाणा प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का स्टे हटाया। पंजाब के अबोहर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, कुछ ही देर में जनसभा को करेंगे संबोधित। चारा घोटाला, लालू की मुश्किलें बढ़ी, पटना में 25 फरवरी को पेशी, प्रोडक्शन वारंट जारी। कांग्रेस ने हमेशा किसानों को धोखा दिया, पंजाब अब NDA की सरकार चाहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। भाजपा सरकार ने कोरोना काल में गरीबों को दिया मुफ्त राशन, पंजाब में PM मोदी बोले। पंजाब सिस्टम बदलने के लिए 3 करोड़ पंजाबी इकट्ठे हो जाएं, डेरा बाबा नानक में बोले अरविंद केजरीवाल। उत्तर प्रदेश करहल में मुलायम की रैली, बोले सपा सरकार में युवाओं के लिए होगा नौकरी का इंतजाम। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने मणिपुर के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। आज के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।